बसमिलहिम डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के एम सी एच मैं हूँ खालिद महमूद के एम सी एच फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स और क्लास है नाइन्थ हम इसकी एक्सरसाइजिज़स के क्वेश्चन कर रहे हैं आज हमने यूनिट नंबर टू का आगाज़ करना है यूनिट नंबर टू का क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट टू करेंगे हम यूनिट नंबर टू है काइनीमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट टू है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन कि हमने ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होती है और फिर उसकी एग्जाम्पल्स देनी है और हमने उसकी वेरियस टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करना है कि ट्रांसलेटरी मोशन की वेरियस टाइप्स जो हैं वो क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स देनी है हमने देखते हैं इस क्वेश्चन को ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजिशन जो है उसको चेंज कर रहा हो तो हम कहते हैं ये मोशन में है और मोशन की डिफरेंट किस्में हैं और उनमें से एक जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है और हमसे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पूछा गया है कि इसको डिफाइन करें ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है तो हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिफ़ाइन करते हैं इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूवस अलॉन्ग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन कि ये ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी जो है वो मूव करती है किसी लाइन के अलोंग यानी स्ट्रेट पाथ पे विदाउट एनी रोटेशन और उसमें रोटेशन नहीं होती द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड वो लाइन जो है जिसपे उसने मूव करना है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और वह कर्व्ड भी हो सकती है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है एक तो फिर इसको देख लेते हैं इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन कि ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एक लाइन पे मूव करती है और उसमें रोटेशन नहीं होती द लाइन मे बी स्ट्रेट आर कर्व्ड वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और वो कर्व भी हो सकती है अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन की फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन नंबर टू एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इन द एयर तो कार मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन पे किसी रोड पे कार जा रही है सीधा रोड है उसके ऊपर कार मूव कर रही है या हवा में एरोप्लेन जो है वो सीधा जा रहा है तो हम कहते हैं ये इसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है अब इस ट्रांसलेटरी मोशन की हमने टाइप्स बयान करनी है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर वन लीनियर मोशन यानी उसकी पहली टाइप जो है वो लीनियर मोशन कहलाती है हम इस लीनियर मोशन को डिफाइन करते हैं कि लीनियर मोशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन कि जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हो तो उसकी मोशन जो है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं मसलन फॉर एक्ज़ाम्पल एन एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर नंबर टू एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली वर्टिकली डाउनवर्ड्स यानी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया जाए तो वो फ्रीली फॉल कर रहा हो डाउनवर्ड तो उसकी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन होती है और वो लीनियर मोशन कहलाएगी इसी तरह से एयर में कोई एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है स्ट्रेट तो उसकी मोशन जो है उसको हम कहेंगे ये लीनियर मोशन है दूसरी किस्म है ट्रांसलेटरी मोशन की सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन कि अगर कोई बॉडी जो है किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है तो उसकी मोशन जो है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की एक काइंड है इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं अ बाइसिकल और अ कार मूविंग अलोंग सर्कुलर ट्रैक एक सर्कुलर ट्रैक है उस पर एक कार मूव कर रही है या एक बाइसिकल मूव कर रहा है तो उसकी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी नंबर टू मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन सूरज के गिर्द हमारी जमीन घूम रही है और इसकी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ जमीन के गिर्द चांद घूम रहा है इसकी मोशन जो है ये सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन जो है वो दूसरी किस्म है ट्रांसलेटरी मोशन की रेंडम मोशन द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रेंडम मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है इरेगुलर हो बेतरतीब हो डिसऑर्डर्ड हो तो हम उसको कहते हैं ये रेंडम मोशन है तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की एक काइंड है इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इन इज रैंडम मोशन जब कोई इंसेक्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर मूव कर रहा हो या कोई बर्ड जो है वो हवा में मूव कर रहा हो तो कभी वो एक तरफ़ मूव कर रहा होता है कभी दूसरी तरफ मूव कर रहा होता है तो उसकी मोशन जो है वो डिसऑर्डर्ड होती है इरेगुलर होती है स्ट्रेट पाथ पे नहीं होती तो हम उसको कहते हैं कि ये रेंडम मोशन है द मोशन ऑफ डस्ट आर स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर कि हवा में स्मोक के पार्टिकल्स हों या डस्ट के पार्टिकल हों वो इधर उधर मूव करते हैं तो उनकी मोशन जो है वो भी डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन होती है तो उस, वो भी रेंडम मोशन कहलाएगी द ब्राउनियन मोशन ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स किसी गैस के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन जो है वो भी वो मूव करते हैं स्ट्रेट पाथ पे उनका कोलिजन होता है डायरेक्शन बदल जाती है फिर मूव करते हैं स्ट्रेट पाथ पे फिर कोलिजन होता है फिर डायरेक्शन बदल जाती है तो इस तरह की मोशन जो है उसको हम कहेंगे कि ये ब्रोनियन मोशन होती है और ये भी डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन होती है इसलिए ये भी रेंडम मोशन कहलाती है तो इस तरह से ये तीन किस्में जो हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन की हैं तो हमने इनको देख लिया उम्मीद है आपको समझ आई होगी ख़ुद भी देखें दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि के एम सी एच फिज़िक्स एक्डमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीदीद वीडियोज़ मिलती रहें अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ शाद रहें आबाद रहें